बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियों के बीच अक्सर कैट फाइट देखने को मिलती है। अक्सर देखा जाता है दोनों अभिनेत्रियों की नहीं पड़ती है, दोनों के बीच एक कॉम्पिटिटर के अलावा और कोई रिश्ता नहीं होता। पर बॉलीवुड में ऐसी दो अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने यह परिभाषा बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारा अली खान और जानवी कपूर की, जो न सिर्फ एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों को कई बार साथ में जिम के बाहर आते देखा गया है और अक्सर दोनों यू पार्टी करती और साथ में मस्ती करती दिखाई देती हैं। इन दिनों सारा और जानवी दोनों ही केदारनाथ दर्शन के लिए पहुँचे हैं। दोनों के वेकेशन से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सारा और जानवी इस दौरान पूरी तरह से भोलेनाथ के रंग में रंगी दिखाई दे रही हैं। बर्फीली पहाड़ियों के बीच दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के इस बिंदास अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है। सारा और जानवी की इस तस्वीर को देखने के बाद साफ है कि दोनों वहाँ के कम तापमान में ठंड और गर्म कपड़ों में खूब इंजॉय कर रही हैं। हैवी जैकेट और वुलन कपड़ों से लेकर गर्म बूट तक दोनों ही इस दौरान बिंदास अंदाज में नजर आ रही हैं। ग्लैमर से दूर फैंस सारा और जानवी कपूर के इस बिंदास अंदाज को फ्रेंड्स ट्रिप की तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप दोनों को ध्यान लगाते और पूजा करते भी देख सकते हैं। शाम की आरती के बाद सारा और जानवी ने मंदिर के बाहर भी काफी सारी तस्वीरें क्लिक कराई। बता दें कि हाल ही में ये दोनों सहेलियां रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर में भी साथ दिखाई दी थी। सारा और जानवी कपूर दोनों ही सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। आए दिन अपनी एक से एक प्यारी तस्वीरें अपडेट कर फैंस के साथ शेयर करती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी इस साल बैक टू बैक कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वो जल्द ही सिद्धार्थ सेन गुप्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म गुड लक जेरी में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वो करण जौहर के निर्देशन में बन रही फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म रूही में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अभिनेता राजकुमार राव और वरुण शर्मा के साथ मुख्य किरदार निभाया है। वहीं सारा आगामी फिल्म अतरंगिरे में नजर आएंगी। अक्षय कुमार और धनुष भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। INS रिपोर्ट।